हरियाणा में कानून व्यवस्था पर उठे सवाल, मशहूर सिंगर ममता शर्मा की गला रेतकर हत्या। खट्टर के पैतृक गांव बलियानी में मिला सिंगर का शव, 16 जनवरी से थी लापता, बेटी ने दर्ज कराई थी गुमशुदगी की रिपोर्ट। फरीदाबाद के बाद गुड़गांव में भी चलती कार में गैंग रेप का सामने आया मामला, दरिंदों ने बीए की छात्रा को अगवा कर बनाया हवस का शिकार। सोमवार को कॉलेज जाते समय दो लड़कों ने पीड़ित को किया था अगवा, एक आरोपी गिरफ्तार। सोनीपत में मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल में 11वीं की छात्रा की संदिग्ध मौत से हड़कंप, हॉस्टल के कमरे में मिला शव। फरीदाबाद में युवती को अगवा कर गैंग रेप मामले में तीसरा आरोपी गिरफ्तार, एक आरोपी अब भी फरार। रोहतक में बीती रात पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान एक कांस्टेबल जख्मी, एक अपराधी पुलिस को चकमा देकर फरार हुआ। यूपी में पुलिस का एनकाउंटर जारी, सहारनपुर में मुठभेड़ के बाद चार बदमाश गिरफ्तार, एक सिपाही को भी लगी गोली। वाराणसी में गंगा किनारे घाट पर लगने वाले दुकानों को लेकर हिंसक झड़प, कई लोग जख्मी। मुंबई के लोअर परेल में बीती रात बंद हो चुके नवरंग स्टूडियो में लगी भीषण आग, कई घंटों बाद आग पर पाया गया काबू। दमकल की 12 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर बुझाई आग, 15 से 20 सालों से बंद पड़ा है स्टूडियो। स्टूडियो की चौथी मंजिल से उठी थी आग के लपटे, आग के कारणों का अभी तक नहीं चला पता। मुंबई में वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर स्कूल वैन में आग से अफरा तफरी, किसी के घायल होने की खबर नहीं। उत्तराखंड के बागेश्वर में जंगलों में लगी भीषण आग, आसमान में दूर दूर तक देखी गई लपटे। गुजरात के बनासकांठा में डेयरी कर्मचारियों की लापरवाही से सड़कों पर बहा दूध, 20,000 लीटर दूध बर्बाद। आगरा में सही दाम नहीं मिलने से नाराज किसानों ने बुलाई महापंचायत, एक दूसरे को आलू की माला पहनाकर जताया विरोध। बरेली में नाराज किसानों ने सैकड़ों टन आलू सड़क पर फेंका, कोल्ड स्टोरेज में रखने के पैसे नहीं। गोरखपुर में भूमि अधिग्रहण के विरोध में किसानों का धरना, सरकार के खिलाफ नारेबाजी। झारखंड के रामगढ़ में पुनर्वास की मांग को लेकर ग्रामीणों का प्रदर्शन, जमकर की नारेबाजी। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में दर्दनाक हादसा, हाईवे किनारे कार में लगी आग में जिंदा जला ड्राइवर। ओडिशा के नवरंगपुर में एक शख्स बना हैवान, 5 महीने की बेटी और पत्नी को जिंदा जलाया। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में आग का तांडव, 18 घर जलकर खाक, कई परिवार बेघर हुए। राजस्थान के झालावाड़ में बेकाबू ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत। यूपी के हाथरस में बच्चों को लेकर 2 गुटों में चले लाठी डंडे मारपीट में कई लोग घायल। देहरादून में पकड़ा गया पंजाब का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर हरसिमरनदीप सिंह उर्फ सीमा, फरीदकोट में पेशी के बाद 4 दिन के पुलिस रिमांड। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में तृणमूल के 2 गुटों में फायरिंग, घटना में 11 लोग घायल। राजस्थान के झालावाड़ में पुलिस के हत्थे चढ़े हथियार तस्कर, भारी मात्रा में हथियार भी बरामद। हैदराबाद में क्रिकेट पर सट्टा लगाते धरे गए सटोरिए, 11 लोग गिरफ्तार। यूपी के मैनपुरी में एक महिला की पति की प्रेमिका ने की जमकर पिटाई, काफी देर तक चलता रहा ड्रामा। झारखंड में पुलिस को बड़ी कामयाबी, लातेहार में एनकाउंटर में नक्सल का एरिया कमांडर ढेर। महाराष्ट्र के अकोला में एक महिला से गैंग रेप का सनसनीखेज मामला, आरोपी गिरफ्तार। हैदराबाद में अवैध गुटखा फैक्ट्री पर पुलिस का छापा, भारी मात्रा में गुटखा बरामद। दिल्ली स्थित नोएडा में एक फैक्ट्री में तैनात गार्ड की हत्या में 3 आरोपी गिरफ्तार, 2 अब भी फरार। फिरोजाबाद में पुलिस से मुठभेड़ में पंजाब का नामी बदमाश गिरफ्तार, 2 सिपाही घायल। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक युवक की हत्या पर बवाल, गुस्साए लोगों ने हाईवे पर लगाया जाम। पश्चिम बंगाल के हुगली में तृणमूल छात्र नेता पर लड़की से छेड़खानी का आरोप, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। राजस्थान के डूंगरपुर में एक ट्रक से 50 लाख की शराब जब्त, ट्रक चालक हिरासत। यूपी के अमरोहा में चेकिंग के दौरान भारी मात्रा में शराब जब्त, हरियाणा से लाई जा रही थी खेप। बुलंदशहर के खुर्जा में ट्रैक्टर शोरूम में चोरी, कैश और कीमती सामान लेकर फरार हुए चोर। भारत ने पाकिस्तान से जवान की शहादत का लिया बदला, बीएसएफ की जवाबी कार्रवाई में 3 पाक रेंजर ढेर।
सीज फायर उल्लंघन पर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब, जवाबी फायरिंग में कई पाक चौकियां तबाह। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लोगों का भड़का गुस्सा, पाकिस्तान और चीन के खिलाफ लगाए नारे। आतंकी हाफिज सईद को पाकिस्तानी प्रधानमंत्री से मिली क्लीन चिट पर भड़के अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई, कहा हाफिज के खिलाफ काफी सबूत। करजई ने कहा हाफिज सईद के खिलाफ सबूतों की भरमार, झूठ बोल रहा है पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी पद्मावत का विरोध जारी, अहमदाबाद और बिहार के मुजफ्फरपुर में करनी सेना के लोगों ने मचाया उत्पात। बिहार के मुजफ्फरपुर में करनी सेना के लोगों ने सिनेमा घर में की तोड़फोड़, फिल्म के फाड़े पोस्टर। अहमदाबाद में राजपूत संगठनों का बवाल, घंटों हाईवे पर मचाया कोहराम। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नाराज करनी सेना ने दी धमकी, फिल्म रिलीज हुई तो सिनेमा घरों में लगा देंगे कर्फ्यू। हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने हमारा पक्ष जाने बिना फैसला सुना दिया। देखिए अब सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट है, अब उन्होंने हमारा पक्ष सुने बगैर अपना फैसला दे दिया है। आगे बोल के सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेगी राजस्थान सरकार, सूबे के गृह मंत्री बोले हमारे पास भी है कुछ अधिकार। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश तो सर्वोपरि है, उसको अध्ययन करेंगे और अध्ययन करने के बाद अगर कानूनी कोई रास्ता निकल सकता है तो निकालने का प्रयास करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मध्य प्रदेश सरकार को भी झटका, सूबे के गृह मंत्री ने कहा आदेश के अध्ययन के बाद लेंगे फैसला। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी सिनेमाघर मालिकों में डर, कहा सरकार सुरक्षा का भरोसा देगी तभी रिलीज होगी फिल्म। नुकसान की वजह से अभी गुजरात सरकार का सपोर्ट लेना जरूरी है और गुजरात सरकार बोलेंगे कि पिक्चर रिलीज करो और पिक्चर के हिसाब से जब पुलिस बंदोबस्त मांगेगा हम तो उसी वजह संरक्षण मिलेगा, जो संरक्षण मिलेगा तो हम पिक्चर बताएंगे, बाकी पिक्चर नहीं बताएंगे। आज इलाहाबाद में संत सम्मेलन का आयोजन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लेंगे हिस्सा। वीएचपी की ओर से आयोजित सम्मेलन में प्रवीण तोगड़िया को न्योता नहीं, समारोह को लेकर जमकर तैयारी। कांग्रेस के एक और बड़े नेता की विरासत पर दावा जताने की तैयारी में बीजेपी, जगजीवन राम पर बनाएगी फिल्म। जगजीवन राम पर फिल्म बनाने के लिए 2 करोड़ रुपए खर्च करेगी मोदी सरकार, उनकी जीवनी को स्कूल पाठ्यक्रम का बनाया जाएगा हिस्सा। आज झारखंड हाईकोर्ट में लालू यादव की जमानत याचिका पर फैसला, चारा घोटाले में जेल में बंद है आरजेडी के मुखिया। 29 आइटम और 53 सेवाओं पर घटाया गया जीएसटी, पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर अभी विचार नहीं। ज्यादातर हैंडीक्राफ्ट की चीजों पर जीएसटी शून्य किया गया, नई दरें 25 जनवरी से लागू करने का फैसला। पुरानी कारों और बायोफ्यूल बसों पर जीएसटी दर 28 से घटाकर 18%, बोतल बंद पानी पर भी घटा जीएसटी। हीरे और रत्नों पर भी घटाया गया जीएसटी, कृषि उपकरणों, कीटनाशक, सिंचाई उपकरणों पर भी जीएसटी में कटौती। दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की बैठक में रियल स्टेट पर फैसला नहीं, वित्त मंत्री जेटली ने कहा पेट्रोल डीजल पर अगली बैठक में होगा फैसला। मुंबई पहुंचे इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने नरीमन हाउस का किया दौरा, 26/11 शहीदों को दी श्रद्धांजलि। नरीमन हाउस में मोशे से मिले इजरायली पीएम, 26/11 हमले में माता पिता की गई थी जान। नरीमन हाउस की 5वीं मंजिल तक गए बेंजामिन नेतन्याहू, इसी फ्लोर पर है मोशे का कमरा। देर शाम बॉलीवुड हस्तियों से मिले इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू, अमिताभ बच्चन ने ली सेल्फी। समारोह में ऐश्वर्या राय और करण जौहर समेत कई सितारों की मौजूदगी, बोले इजरायल को बॉलीवुड पसंद है। करोड़ों भारतीयों के भरोसे पर फिर से खरा उतरा इंडिया टुडे ग्रुप, 80 लाख लीडरशिप के साथ इंडिया टुडे इंग्लिश बनी देश की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली मैगजीन। आरएस के सर्वे में इंडिया टुडे हिंदी मैगजीन का भी डंका, 71 लाख रीडरशिप के साथ देश में दूसरे नंबर पर। बिजनेस पत्रिका में भी इंडिया टुडे ग्रुप की बादशाहत, बिजनेस टुडे मैगजीन देश में पहले नंबर पर। अब आसानी से पैसे ट्रांसफर कर सकेंगे व्हाट्सएप यूजर्स, फरवरी में लॉन्च होगा पेमेंट फीचर। होटल्स को वेबसाइट और रिसेप्शन पर देनी होगी अपने स्टेटस की जानकारी, बताना होगा होटल 5 स्टार है या नहीं। युजवेंद्र चहल को मिला T20 में परफॉर्मर ऑफ द ईयर का खिताब, ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ को मिला टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का इनाम। कोहली टेस्ट में गावस्कर के बाद 900 रेटिंग अंक पाने वाले दूसरे भारतीय बने, सेंचुरियन में शतक बनाने के बाद हासिल की उपलब्धि।
दक्षिणी अफ्रीकी बल्लेबाज एवी डिविलियर्स अपने प्रदर्शन से बेहद खुश, कहा मुझे लगता है ये मेरा सबसे बेस्ट फॉर्म है। बिहार के मधुबनी में नाबालिग बेटी की शादी कराने पर माता पिता को जेल, दूल्हा भी पहुंचा हवालात के अंदर। बिहार में दहेज के खिलाफ नीतीश की मुहिम का असर, सुपौल में मुखिया ने परिजनों के सहयोग से प्रेमी जोड़े की मंदिर में कराई शादी। ऋषिकेश में गंगा में नहाते समय दो युवक पानी की तेज लहरों में फंसे, एक घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बाहर निकाला गया। मध्य प्रदेश कटनी में बीमार छात्रा के हौसले को सलाम, राइटर की मदद से एम्बुलेंस में ही लिखे परीक्षा के पेपर। पटना में दही खाओ इनाम पाओ प्रतियोगिता, 3 किलो दही खाकर एक बच्ची बनी विजेता। कजाकिस्तान में एक बस में लगी भीषण आग, हादसे में उज्बेकिस्तान के 52 लोगों की दर्दनाक मौत। मैक्सिको सिटी में पटरी से उतरी ट्रेन, हादसे में 5 लोगों की मौत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पेंसिल्वेनिया में एक फैक्ट्री कर्मचारी को किया संबोधित, कहा टैक्स सुधार के बाद उनकी जेब में होगा और पैसा। प्रिंस हैरी ने अपनी मंगेतर के साथ कार्डिफ में कम्युनिटी सेंटर का किया दौरा, बच्चों से की मुलाकात। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।